हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में हम बात करेंगे कि इनकम का क्या मतलब है, टैक्स किसे कहेंगे, क्यों लगाया जाता है और इसके क्या प्रोसीजर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू नो द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स अपने आप में एक डायरेक्ट टैक्स है। और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स क्या चीज़ है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात हम बाद में करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि टैक्स किसे कहेंगे और टैक्स कौन लगा सकता है। देखिए, क्या है कि जब गवर्नमेंट हम लोगों पर या पब्लिक पर या सोसाइटी पर जो खर्च करती है, जैसे रेलवे है, डिफेंस है, सोसाइटी पे और बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार को पैसों की ज़रूरत होती है, कोई बड़ी डिसीज़ आ गई है, जैसे कुछ टाइम पहले कोरोना आया था तो उसके लिए सरकार को बहुत तरीके का बहुत सारी चीज़ों पर खर्च करना पड़ा। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं कि आप जो भी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, जो पब्लिक फैसिलिटी लेती है, सड़क हैं, रोड्स हैं, डैम्स हैं, वाटर फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, हालांकि हम इन चीज़ों के लिए बिल पे कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे उन बिलों से या उन चीज़ों से या उस पैसे से सरकार का खर्चा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बहुत बड़े लेवल पर सरकार को पैसों की ज़रूरत होती है। और सरकार की आय का जो एक साधन है वो हमारा टैक्स है। ओके, तो टैक्स लगाकर यानी टैक्स इम्पोज करके, इम्पोज वर्ड मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक मैंडेटरी चीज़ है। जब सरकार कोई टैक्स लगाती है तो ऑब्वियसली वो आपको देना ही देना है, आप उससे बच नहीं सकते। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आपके ऊपर, आप उस कैटेगरी में नहीं आ रहे या आप वो पर्सन नहीं है जिस पर टैक्स बनता ही नहीं है या आप एलिजिबल नहीं है उस चीज़ के लिए, तो एक अलग बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमें वो टैक्स जो है देना है। अगर हम पर अकॉर्डिंगली लगाया गया है या उसके एक्ट के अकॉर्डिंगली लगाया गया है या जो भी नियमों के तहत लगाया गया है, तो हमें वो टैक्स पे करना होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि टैक्स इज़ इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो टैक्स लगाने का जो मकसद है या टैक्स लेने का जो मकसद है सरकार द्वारा, वो अनिवार्य खर्चे की पूर्ति करना है जो सरकार को चाहिए, वो पैसा जो वो सोसाइटी पर खर्च करती है अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, तो उसके लिए सरकार को टैक्स की फॉर्म में ये पैसा जनता से वसूल करना पड़ता है। नाउ हमने बात करी टैक्स कि अब हमें ये देखना है कि इनकम टैक्स का क्या मतलब है। तो इनकम टैक्स में दो वर्ड्स आप देख रही हो, इनकम एंड टैक्स। तो जो टैक्स आपकी इनकम पर लगाया जाएगा उसे हम इनकम टैक्स कहेंगे। देखिए, सरकार जब भी आपसे कोई टैक्स लेगी तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करेगा। जैसे वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स जिस कह सकते हैं हम, प्रॉपर्टी मतलब जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, तो ऑब्वियसली वो संपत्ति पर लगाया जा रहा है। गिफ्ट टैक्स है, जब हम गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, हम कोई उपहार का आदान प्रदान करते हैं, हम नॉर्मल उपहारों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसका भी एक अलग क्राइटेरिया होगा। तो गिफ्ट टैक्स जो गिफ्ट्स पे लगाया जाएगा, गिफ्ट के ट्रांजैक्शन पे लगाया जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स जो प्रॉपर्टी पे लगाया जाएगा, हाउस टैक्स जो हाउस पे लगाया जाएगा, इसी तरह से इनकम टैक्स है जो इनकम पर लगाया जाता है। यहाँ आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि इसके साथ एक वर्ड लगाया है इनकम टैक्स, यानी कि ये टैक्स वो है जो इनकम पर लगाया जाएगा। ठीक है, अब इनकम टैक्स कौन लगाएगा, सरकार लगाएगी। किस पर लगाएगी, ऑब्वियसली जनता पर लगाएगी। अब वो किस तरीके से लगाएगी वो हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि इनकम टैक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट टैक्स है। लेकिन कौन से वाला टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। अब मैं डायरेक्ट वर्ड पर क्यों जोर दे रही हूँ, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स हम कहेंगे उस टैक्स को जो उस पर्सन से वसूल किया जाएगा जो उसके लिए लायबल है। ओके, और डायरेक्टली उसे वसूल किया जाएगा। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली हम उस पर्सन से नहीं लेते, हम एक तरह से इनडायरेक्टली लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आप कोई सामान खरीदते हैं, तो आप देखोगे कि आप एक टैक्स पे करते हो उस सामान के साथ। आपने अगर 10 रुपये की एक चीज़ ली है तो उसमें आप देखोगे, अगर आप उस चीज़ के ऊपर नज़र डालोगे तो वहाँ आपको लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। जैसे पहले तो सेल्स टैक्स होता था, अब उसका स्थान GST ने ले लिया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम जिसे कहते हैं। तो अब जैसे GST की मैं बात करूँ तो GST क्या है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। आप
सरकार को डायरेक्टली नहीं दे रही है, आप किसको दे रही हैं, आप दुकानदार को दे रही हैं, ओके। और दुकानदार ही आपका टैक्स आपसे कलेक्ट करके किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। तो इसीलिए हम उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, दे आप ही रहे हो, ले कौन रही है, सरकार रही है, पर डायरेक्टली आपसे नहीं ले रही है, वो इनडायरेक्टली आपसे ले रही है। किसके थ्रू ले रही है, शॉपकीपर के थ्रू ले रही है। लेकिन ये जो इनकम टैक्स है ये आप ही दोगे, डायरेक्टली सरकार को दोगे, कोई बाईपास करके नहीं देना है कि मैंने किसी और को दिया और उसके किसी और, मतलब आपका जो टैक्स है वो आपके ऊपर ही चार्ज किया जाएगा और आपको ही पे करना है। तो ये इसीलिए हम इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। तो गवर्नमेंट के रिवेन्यू यानी कि आय का एक मुख्य स्रोत है, एक मुख्य साधन है, एक मुख्य आप कह सकते हैं सोर्स है, और इस टैक्स के दम पर सरकार बहुत सारे चीज़ों पर खर्च करती है। ये जो अमीर गरीब का डिफरेंस है, गरीब लोगों को जो सहायता, जो सब्सिडीज दी जाती है, फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है या इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके लिए ज़रूरी है पैसा। सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनीज या फैक्ट्रीज लगानी है, पैसा कहाँ से आएगा आप बताइए, और कौन सा साधन है, सरकार की आय का साधन तो सबसे बड़ा यही है, ठीक है। तो इनकम टैक्स सरकार की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है, एक सोर्स है, और इसे हम रिवेन्यू कह सकते हैं, ठीक है। रिवेन्यू हम इसीलिए कहेंगे क्योंकि जब ये लिया जाता है तो इसके बदले में सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं बनती आपके प्रति। नॉर्मली क्या होता है, जब अकाउंट्स में पढ़ते हैं हम देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ मैंने किसी से, मान लीजिए मैंने कोई वस्तु उधार ली है, तो मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट होगी ना कि मुझे आज नहीं तो कल उसके पैसे देने हैं या वस्तु वापस करनी है। लेकिन जब सरकार आपसे टैक्स ले रही है तो बदले में आपको वैसे कुछ नहीं दे रही है, डायरेक्टली तो कुछ नहीं दे रही है, वो एक अलग बात है कि उस पैसे को वो जनता पर ही खर्च कर रही है, लेकिन उसको हम लायबिलिटी नहीं मानेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। इसीलिए हम रिवेन्यू वर्ड यूज़ करते हैं। जब कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, जब कोई एसेट क्रिएट नहीं होती, तो उसे हम रिवेन्यू वर्ड का नाम दे देते हैं, ओके। अब चलते हैं, हु इज़ लायबल टू पे इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स कौन पे करेगा, हर वो पर्सन जो इस कैटेगरी में आता है, जो अकॉर्डिंगली एक्ट के अकॉर्डिंगली उसमें आ रहा है या उसमें उसके उसके ऊपर वो चीज़ लागू हो रही है, तो वो पर्सन टैक्स देगा। हालांकि इस पर हम थोड़ी डिटेल में बाद में बात करेंगे, तो मैं एक छोटा सा आपको ये जो तीन चार लाइंस लिखी हुई हैं मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। मैं थोड़ा स्लो पढ़ूँगी और आप देखना कि आपको इसका मतलब साथ साथ क्लियर होना चाहिए। एवरी पर्सन, हर वो पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम, जिसकी इनकम जो टैक्सेबल है। अभी यहाँ पर रुकते हैं, मैंने बोला इनकम, पहले बोला मैंने इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन अभी एक वर्ड आ गया टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब क्या है, हमारी सारी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, हम जो भी कमाते हैं ज़रूरी नहीं है कि सारी इनकम पर हम टैक्स देंगे। ये हो सकता है कि बहुत सारी इनकम ऐसी भी हो सकती हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगता है तो सरकार टैक्स नहीं ले सकती ना उस पर, लेकिन जिस इनकम पर टैक्स लगता है, लगना चाहिए, उस इनकम को हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अगले वर्ड पर आ जाओ, फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होता है, राइट। आप पेपर देते हैं और उसकी चेकिंग कब होती है, बाद में होती है। तो नंबर आपको पहले मिल जाते हैं या बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कमाया आपने पहले है, टैक्स तो बाद में लगेगा ना। तो आपने इनकम जो अर्न की है, जो कमाया है, उसके ऊपर टैक्स तो बाद में लगना चाहिए। तो जब कमाया है तो इसका मतलब वो पहले आपने अर्न किया है, इसीलिए बोला प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। वो इनकम जो आपने पिछले साल कमाई है, अब पिछले कौन से साल में, फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर क्यों बोलते हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, वैसे हम जब हम रूटीन लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं कि कैलेंडर ईयर, जैसे जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लागू होता है, जिसमें 12 महीने का टाइम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम टैक्स की बात करते हैं या जब हम अकाउंट्स में आप देखेंगे, तो ज़्यादातर आप कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे कई बार आप अकाउंट्स जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के भी बनाते हैं, राइट। अगर आपको ध्यान हो, हालांकि ऐसा नहीं है, सारे ऐसे नहीं होते, 1 अप्रैल से भी बनते हैं, 1 जनवरी से भी बन सकते हैं। बट अगर मैं टैक्स की बात करूँ, तो टैक्स में फाइनेंशियल ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर नहीं है, ओके। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वो ईयर जो 12 महीनों की अवधि का तो है, लेकिन वो हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 1 जनवरी को स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। और कब ख़त्म होता है, तो ऑब्वियसली जब आप 1 अप्रैल को स्टार्ट कर रही है, तो 12 महीने कहाँ ख़त्म होंगे, अगले साल की 31 मार्च को ख़त्म होंगे। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, अगर आप 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट करते हो,
तो ये 12 महीने मेरे ख़त्म होते हैं 31 मार्च 2021। ओके, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया फाइनेंशियल ईयर। और प्रीवियस वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो इनकम मैं अर्न कर रही हूँ उस पर टैक्स मुझे आगे जाकर देना है, जो पेपर मैं दे रही हूँ उसके नंबर मुझे या उसका पेपर चेक जो है वो बाद में होना है ना, तो इसीलिए प्रीवियस वर्ड यूज़ किया, जो प्रीवियस जिसमें आपने पैसा कमाया है। एग्जीड्स द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट, अब यहाँ मतलब समझते हैं। मैं थोड़ा सा रुक रुक के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको ये डेफिनेशन अगर समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि आपने एक निचोड़ इस चैप्टर का आज ही ले लिया। ठीक है, अगर आपकी इनकम, कौन सी इनकम, टैक्सेबल इनकम, मिनिमम टैक्सेबल लिमिट, यहाँ पे आप एक वर्ड चेक कीजिए, मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सरकार ने एक लिमिट बना रखी है एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि अगर एक पर्सन की इनकम 2.5 लाख रुपए तक होगी तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। ओके, तो मान लीजिए मेरी इनकम 3 लाख रुपए है तो इसका मतलब मुझे टैक्स देना पड़ेगा ना, कितने पर, 3 लाख में से 2.5 लाख लेस करने के बाद जो बचती है उसी पर दूंगी। ठीक है, तो अभी मैंने क्यों किया, क्योंकि सरकार ने मुझे बोला कि भाई 2.5 लाख तक तो आप टेंशन ना लो, आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन उसके ऊपर आप जितनी इनकम अर्न करोगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। राइट, तो इसीलिए ये वर्ड क्लियर हो गया कि अगर आपकी इनकम एक लिमिट के बाहर जा रही है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इज़ लाइबल, लाइबल का मतलब समझिए ना कि अब आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, करंट फाइनल फाइनेंशियल ईयर में। अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर को मैं असेसमेंट ईयर भी कह सकती हूँ। ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हो गया जिसमें आपने पैसा कमाया, ठीक है, यानी पेपर दिया, और करंट फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपका पेपर चेक होकर आपको नंबर मिलेंगे, यानी कि इसे बोलेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट मतलब जिसमें आपका पेपर असेस होगा, यानी आपकी इनकम असेस होगी, और अगर टैक्स बनता है तो पे करोगे वरना नहीं करोगे। यहाँ तक बात क्लियर है। ऑन द इनकम, अब कौन सी इनकम, ऑफ द, वही बता दिया ना, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर। एट द रेट्स, अब ये टैक्स देना कैसे है, ये टैक्स देना है मुझे पर्टिकुलर रेट्स के हिसाब से। रेट्स कौन से, जैसे 10% है या 20 है या 30 है, कौन डिसाइड करेगा, ये सरकार डिसाइड करती है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रोसीजर्स हैं। ये हम हर साल देखते हैं कि जब बजट आता है आपके कंट्री में, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, आप देखते हैं, अखबार देखेंगे तो आप फरवरी मार्च में ये चीज़ें बहुत पीक पर होती हैं न्यूज़ में कि बजट आ रहा है या आने वाला है, या फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल रेडी हैं बजट को लेकर, और इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं या कई तरह के उस पर बातें या बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पर कई तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसमें रेट्स भी होते हैं, तो कई बार रेट्स चेंज होते हैं, कई बार रेट्स जो है कई साल तक सेम रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो रेट वो डिसाइड कर देंगे उसी पे हमको पेमेंट करनी होगी टैक्स की। तो वो रेट्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ऑब्वियसली हर साल बजट आता है और उसके आने के बाद ही उसमें पता लगता है कि टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कोई रेट्स तो नहीं बदले हैं। मान लीजिए एक इनकम पर टैक्स पहले साल लगता था 10% पिछले साल, अब इस साल से सरकार ने बदल दिया जी, जब 10 की बजाय हम 5 ही लेंगे, तो अब इस साल जो लोग पैसा कमाएंगे 5% से टैक्स देंगे, सिंपल सी बात है। तो अभी आपको क्लियर हो गई मेरी ये बात सारी की सारी कि कौन पे टैक्स पे करेगा। तो आप ये जितने भी पॉइंट, अब मैं अगर इस डेफिनेशन में देखूँ ना तो मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स नज़र आते हैं, और इसी डेफिनेशन से आप फीचर्स बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स का रट्टा मारते हैं जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर आप कोई भी चीज़ अच्छे से समझ के रखते हो, आपकी समझ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है ना, तो आप उस डेफिनेशन से ही कई तरह के फीचर्स निकाल कर आप इसको लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, पर्सन, यहाँ पर मैं पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ मैं टैक्सेबल इनकम की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं मिनिमम टैक्सेबल लिमिट की भी बात कर रही हूँ, यहाँ मैं पे कहाँ कर रही हूँ, करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब असेसमेंट ईयर की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ
रेट्स की, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ वही असेसमेंट ईयर की। तो बहुत सारे 4-5 पॉइंट्स आप कम से कम आप देख लो कि आपको यहीं से निकल कर सामने आ जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो में जो एक बेसिक चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री पे और जाना चाहूँगी। इसकी हिस्ट्री में हम ये देख सकते हैं कि इनकम टैक्स, मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो टैक्स की स्टार्टिंग हुई थी वो 1860 में हुई थी। आपको याद हो गया 1857 की क्रांति, और जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हर लिहाज से। तो एक जेम्स विल्सन थे, उन क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था तो इसलिए उस समय जो भी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उस युद्ध क्या, वो एक क्रांति थी एक तरह से। उस क्रांति में ऑब्वियसली जब कोई वॉर होता है, कोई युद्ध होता है, या कोई दिक्कत आती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो नुकसान दोनों पार्टीज़ का होता है, राइट। तो जो सरकार को नुकसान हुआ था उस समय, जो सरकार थी उसको जो नुकसान हुआ था उससे उसको उसकी मतलब पूर्ति करने के लिए जेम्स विल्सन ने 1860 में एक टैक्स की शुरुआत की थी इंडिया में। और धीरे धीरे करके आप देख रहे हो ये बहुत सारे पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रही हूँ, मैं सीधा आपको 5th पॉइंट में लेकर आ रही हूँ, जिसमें आप ये देख सकते हो कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, चेंजेस हुए, मतलब संशोधन हुए, और फाइनली एक और एक्ट निकल कर आया। अब ये आज़ादी के बाद की बात है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसी के ऊपर हमारी सारी स्टडी, हमारा सारा सब्जेक्ट टिका हुआ है। वो एक अलग बात है कि ये बहुत पुराना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, नो। इसके अंदर टाइम टू टाइम बहुत सारे संशोधन हुए हैं, और संशोधन का ही नतीजा है कि आज हमारे सामने टैक्स इतने अलग रूप में जो है खड़ा है। तो हम जब भी हर साल जब भी हम इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप देखोगे, आप बुक में ही आप चेक कर लेना, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पर आप देखोगे कि सम अमेंडमेंट्स, मतलब आप उस चैप्टर की बात करेंगे तो आपके ऊपर आपको दिखेगा कि वहाँ जो भी अमेंडमेंट हुए हैं यानी जो संशोधन हुए हैं वो आपको उसमें नज़र आ जाएंगे, ठीक है। हमारा जो मेन एक्ट है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये पूरे इंडिया में लागू होता है, ठीक है। और इस तरीके से इसमें काफ़ी आप देख सकते हो, पॉइंट नंबर 8 में भी यही कह रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल 1962 में लागू हुआ, हालांकि उसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, और अमेंडमेंट्स का हमें ध्यान ज़रूर रखना होता है क्योंकि टैक्स जो है वो एक एनुअल टैक्स है। टैक्स क्या है? एनुअल टैक्स है। इनकम टैक्स जो हमारा है ना वो एनुअल है, तो एनुअली यानी कि हर साल लगता है, ये एक वार्षिक कर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो भी अमेंडमेंट आपको आते हैं आपको उसको ध्यान में रखना, उसके अकॉर्डिंगली ही हम टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपने समझा कि इनकम किसे कहेंगे, और इनकम के बारे में खैर हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल आपको सिर्फ इतना बताना ज़रूरी था कि इनकम टैक्स क्या चीज़ है, क्यों लगाते हैं, किस पर लगाते हैं, कौन लगाता है, ज़रूरत क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।